नमस्कार दर्शक मित्रों, JDS किचन चैनल में आप सभी स्नेहीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। देवियों और सज्जनों, आज हम सॉफ्ट और मुलायम गुजराती खांडवी बनाएंगे सिर्फ 15 मिनट में। प्रेशर कुकर में ये कलरफुल पालक की खांडवी बनाएंगे। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ गुजराती खांडवी बनाने का एकदम आसान तरीका। पालक की खांडवी के लिए हम पालक के पत्ते लेंगे और उसकी डंडियों को काट कर निकाल देंगे और 2-3 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे। अब इस ग्रीन पालक को हम ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में डालकर स्मूथ प्योरे बना लेंगे। 3 हरी मिर्च और एक बड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेकर दरदरा कूट लेंगे। गुजराती खांडवी के लिए हमें चाहिए 3 कप छाछ। ये छाछ थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए। जितना हम बेसन लेंगे उससे 3 गुना खट्टी छाछ लेंगे। आधा टेबलस्पून कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालेंगे और उसके साथ साथ अदरक और हरी मिर्च जिसको हमने कूट लिया था उसे डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। आधा टेबलस्पून शक्कर ऐड करेंगे जो मैं भूल गया था, और फिर से मिक्स कर लेंगे। और थोड़े समय के लिए हम इस छाछ को साइड में रख देंगे ताकि हरी मिर्च का तीखापन, अदरक का स्वाद और कसूरी मेथी की फ्लेवर छाछ में आ जाए। थोड़े समय के बाद इस मिश्रण को हम छान लेंगे। हरी मिर्च, अदरक और कसूरी मेथी का हल्का सा स्वाद इस छाछ में आ गया है। ये हमारी पालक की पेस्ट है, आधा कप। उसमें हम ऐड करेंगे आधा कप बेसन। जितनी हम पेस्ट डालेंगे उतनी छाछ कम डालेंगे। बेसन को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा मिश्रण स्मूथ होना चाहिए, इसमें गुठली या लम्स ना रहे इस बात का ध्यान रखें। बटर मिल्क ऐड करेंगे। आधा आधा कप छाछ 2 बार डालेंगे। आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करके इस मिश्रण को स्मूथ बना सकते हो। हमारा ग्रीन पालक का बैटर तैयार है। नमक चेक करेंगे। नमक थोड़ा सा कम था, डाल देंगे। अब हम दूसरे लेयर के लिए येलो कलर का बैटर तैयार करेंगे। आधा कप बेसन में 1.5 कप छाछ का मिश्रण डालेंगे जो हमने बना कर रखा था। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए और मिला लेंगे। इस मिश्रण को हमने हैंड ब्लेंडर की मदद से स्मूथ बना लिया है। हमारे दोनों बैटर तैयार है प्रेशर कुक होने के लिए। प्रेशर कुकर में हमने पानी डाला है और एक स्टैंड रखा है, और स्टैंड के ऊपर पतीला रखकर कवर करेंगे और उसके ऊपर दूसरा खांडवी का पतीला रखकर कवर करेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और तेज आंच पर पकाएंगे। इस खांडवी को पकने के लिए 6 विसल की जरूरत पड़ेगी। कुकर की सीटी बजने की शुरुआत हो चुकी है। ये 4th सीटी, ये 5वीं और ये आखिरी सीटी बजने के बाद कुकर का प्रेशर कम होने के बाद खांडवी का पतीला निकालेंगे और पालक का पतीला कुकर में ही रखेंगे, वरना ठंडा हो जाएगा। इस मिश्रण को हम अच्छी तरह से फेंटेंगे और तुरंत स्टील की थाली पर इवनली स्प्रेड कर लेंगे। थाली को ऑयल से ग्रीस करने की जरूरत नहीं है। मिश्रण को फैलाने के लिए इस तरह की कोई भी चीज ले सकते हो। इसी तरह से हमने दूसरी थाली पर भी मिश्रण को स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ग्रीन कलर का पालक वाले मिश्रण को स्प्रेड कर लेंगे। इस मिश्रण में हमने फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। इसी तरह से हमने दूसरी थाली पर ग्रीन कलर का मिश्रण फैला लिया है। इसमें हमने हल्का सा फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अब इस गुजराती खांडवी को काटेंगे, उसका रोल करेंगे। अगर आपको ये गुजराती खांडवी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना, और मेरी नई रेसिपी की जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर जरूर क्लिक करना। देवियों और सज्जनों, हमारी सॉफ्ट, सिल्की, थोड़ी सी खट्टी, मीठी और मुंह में घुल जाने वाली खूबसूरत खांडवी तैयार है। अब इस खांडवी के ऊपर तड़का लगाएंगे।
हरा धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, सफेद तिल और ग्रेटेड कोकोनट से सजाकर सर्व करेंगे। आप इस खांडवी को जरूर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।